अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ योर नेम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कौन से क्लास से पढ़ते हैं आप? मैं सेवन क्लास में। ठीक है, सेवन क्लास में। आपको हेड बॉय बन के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हेड बॉय बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? हेड बॉय बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं टेस्ट में फुल नंबर लिए, मैंने अपनी टीचर की रिस्पेक्ट की, नमाज की, नमाज पढ़ी, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की, जिसकी वजह से आज मैं हेड बॉय बना। अच्छा, तो आप इसको डेली करेंगे कि जस्ट हेड बॉय बनने के लिए किया था? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मैं ये डेली कर सकता। ठीक है, नमाज से पढ़ते हैं आप? जी। डेली पढ़ेंगे? जी। ठीक है, और आप अपने क्लास वालों को भी ये सब चीज़ें सिखाएंगे ताकि उनको भी मौका मिले वो भी बने? इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। व्हाट इज़ योर नेम? जैन। कौन सी क्लास से पढ़ते हैं आप? ठीक, हेड बॉय बन के आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा आपने रूल्स को फॉलो किया, अच्छे बच्चे बन के दिखाया है, तो ही टीचर ने आपको हेड बॉय बनाया। तो आप मुझे बताओगे आपने क्या क्या किया था? ठीक है, और नमाज पढ़ते हैं? डेली स्कूल आते हैं? अच्छा, इसके अलावा और क्या आप ये डेली करेंगे कि जस्ट हेड बॉय बनने के लिए आपने एक दिन के लिए ही किया है कि डेली करेंगे, आगे भी करते आएंगे? ठीक है, अपने क्लास वाले में फ्रेंड्स को भी यही सिखाएंगे? ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ योर नेम? अमीन हमजा। आप कौन से क्लास से पढ़ते हैं? आपको हेड बॉय बन के अच्छा लग रहा है? आपने क्या क्या किया? अच्छा, मामा की भी बात सुनी। नमाज पढ़ते हैं आप? डेली पढ़ेंगे? सुनतों पे अमल भी करते हैं? और टीचर का कहना मानते हैं? मामा बाबा का भी? डेली स्कूल आते हैं? ठीक है, आप अपने क्लास वाले को भी ये सिखाएंगे? ठीक है, कि पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करें, उनकी हर बात माने, ठीक है, ताकि उनको भी नेक्स्ट टाइम मौका मिले वो भी बने। ठीक है, आप डेली ये चीज़ें करेंगे सब? ओके, थैंक यू। व्हाट इज़ योर नेम? हसन। कौन सी क्लास से पढ़ते हैं आप? टू क्लास में। हसन, आपको कैसा लग रहा है हेड बॉय बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपने क्या क्या किया है जिसकी वजह से टीचर ने आपको हेड बॉय बनाया है? नमाज पढ़ते हैं? ठीक है, लेसन भी डेली लर्न करके आते हैं? डेली स्कूल आते हैं? ठीक है, और आप अपने क्लास वालों में बच्चों को भी यही सिखाएंगे, अपने फ्रेंड्स को, कि नेक्स्ट टाइम उनको भी मौका मिले वो भी हेड बॉय बने? चलें, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ योर नेम? ईमान फैसल। कौन सी क्लास से पढ़ती हैं आप? वन में। ठीक है, आप हेड गर्ल बनी, आपको कैसा लग रहा है हेड गर्ल बन के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने क्या क्या किया जिसकी वजह से आपको हेड गर्ल बनाया गया? अच्छा, नमाज से पढ़ती हैं, गुड। टीचर की हर बात मानती हैं, पेरेंट्स की भी हर बात मानती हैं? ठीक है, नमाज भी पढ़ती हैं? ठीक है, तो आप अपनी क्लास वालों में गर्ल्स को भी सिखाएंगी कि ऐसा करें ताकि उनको भी मौका मिले? चलें, क्लास में डिसिप्लिन भी रखेंगी? ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ योर नेम? रुबाब। रुबाब, आप कौन सी क्लास से पढ़ती हैं? फोर क्लास में। रुबाब, आप हेड गर्ल बनी, आपको कैसा लग रहा है हेड गर्ल बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहती हैं कि आपकी जो क्लास फेलोज में गर्ल्स हैं वो भी बने, तो आप उनको सिखाएंगी कि किस किस चीज़ को फॉलो करके क्या क्या करना पड़ता है तब जाके हेड गर्ल बनते हैं? ठीक है, आप मुझे बताएं। ठीक है, रेगुलर होना चाहिए, नमाज, गुड, और स्टडी अच्छी करनी है, टेस्ट में फुल मार्क्स लेने हैं। ठीक है, सुनतों पे अमल करना है, जो भी हमारे स्कूल में सिखाई जाती हैं। ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन रखना है। ठीक है, टीचर की हर बात माननी है, पेरेंट्स की भी हर बात माननी है, पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। ठीक है, चलिए, आप ही अपनी क्लास। अस्सलाम वालेकुम।
व्हाट इज योर नेम? मिनाहिल, कौन सी क्लास से पढ़ती हैं आप? सेवन में. आप हेड गर्ल बनी, आपको कैसा लग रहा है हेड गर्ल बन के? बहुत अच्छा, ठीक है. मुझे मिनाहिल, आप मुझे बताएं कि हेड गर्ल बनने की क्या रूल्स हैं, आपको किस किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा? गुड. आपको नमाज से पढ़नी पड़ेगी, आपको टेक्स्ट में फुल मार्क्स लेने होंगे, ठीक है. और आप अपनी क्लास फेलोज को भी सिखाएंगी, ठीक है, उनको भी गाइड करेंगी ताकि उनको भी मौका मिले कि वो भी हेड गर्ल बने, ठीक है. आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगी, ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन रखेंगी, ठीक है. जब टीचर क्लास में नहीं होंगी तो आप बच्चों को चुप करवाएंगी, ठीक है, और सुनकर पे अमल भी करेंगी जो भी हमारे स्कूल में सिखाई जाती हैं. आप डेली स्टूडेंट्स